ये मैंने पुरानी टी शर्ट्स पुरानी लेगिंग में से बनाया है, या पुराना पजामा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, दोनों तरफ से सेम है और इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी बनती है। और ये मशीन वॉश है, आप इसे मशीन में वॉश भी कर सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड और इस तरीके से बैक साइड, तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आपके पास इस तरीके से कोई पुराना पजामा हो, पुरानी लेगिंग हो, वो कोई भी इसमें पुरानी टी शर्ट हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी पुराने कपड़े में से, जैसे मैंने पुराना लोअर लिया हुआ है, इसमें से निकालूंगी मैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या करना है, जिसमें से भी आपने बनाना हो, यहाँ से पूरी लंबाई में हमें अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के इसमें से स्ट्रिप कटिंग कर लूँगी पूरी लंबाई में। पूरा लंबाई में इस तरीके से कट कर लूँगी, फिर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये यार्न बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें से कट कर लीजिए, उसी से हम मैट बनाएं। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिए, पहले मैं 2 यार्न आपस में जोड़ लेती हूँ। तो हम इसमें एक एक करके जोड़ते रहेंगे और इसे बनाते रहेंगे। तो मैं ज्वाइन करना बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ से छोटा सा कट इसमें लगाया, यहाँ से छोटा सा कट इसमें लगाया, या आप अगर सुई धागे से करना चाहें तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कट लगा लिया के नीचे रखा इस तरीके से, और इसे जो इसका दूसरे वाला सिरा है, इसके बीच में से इसे निकाल दिया। तो ये इस तरीके से मेरा दोनों यार्न आपस में ज्वाइन हो गया और एक लंबा यार्न बन गया। तो इसी तरीके से आपको इसमें ज्वाइन करने हैं, जो भी कलर आप इसमें आगे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक नॉट लगा लीजिए। ये मैंने इसके बीच में से नॉट लग गई, सिंपल एक नॉट लगानी है सबसे पहले आपको। उसके बाद ये वाला धागा इसके बीच में से निकालना है ऐसे, 1 2 3 4 5, सिंपली इसके बीच में से मैं धागा निकाल रही हूँ, 6 7 8 9 10। ये देखिए ये है, इसके बीच में इस तरीके से फिंगर डालनी है आपको, और ये वाले धागे को आपको ऊपर को पकड़ना है इस तरीके से। तो ये काफ़ी बड़ा बन गया, तो मैं इतना ही बनाऊंगी। अब हमें आगे क्या करना है, ये बन गया, अब इसका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लास्ट में, इसे ये जो नॉट है हम इसे बंद कर देंगे, के बीच में से निकाल के बंद कर दीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, पहली रो हमारी बन गई। सेकंड रो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये है, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाइए। इस तरीके से मैंने सेफ्टी पिन लगाया, और यहाँ पे जो हमने बना रखे हैं हर एक 1 2 3 4 ऐसे बने हुए, इसके बीच में हम वीव करेंगे। चलिए हम बनाते हैं। धागे को ऐसे रखा, फर्स्ट वाले के बीच में से मैंने निकाला, सिंपल नॉट लगा दी। नेक्स्ट नॉट लगा दी, नेक्स्ट नॉट, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए इस तरीके से, तो ये मेरी सेकंड रो शुरू हो गई है। सेकंड रो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे थर्ड रो फोर्थ रो। जैसे हमने ये बनाई है ऐसे ही हम इसे जितना लंबा बनाना चाहते हैं, आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए सिंपली इसके बीच में से आपको निकालना है, धागा ऐसे रखना है यार्न, इसके बीच में से निकालना है, और फिर इसे इसके बीच में से यहाँ से इस तरीके से खींच देना है। तो ये हमारी इस तरीके से नॉट लग जाएगी। बस इस पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड रो मैंने कंप्लीट कर ली, जहाँ से मैंने शुरू किया था
यहाँ से मैंने शुरू किया था नॉट डाल के, यहाँ से घुमा के मैं लाई थी। तो मेरी सेकंड, फर्स्ट रो हमारी बनाई थी, सेकंड रो हमने सेफ्टी पिन से बनाई थी। सेकंड रो कंप्लीट हो गई, अब यहीं से इसे टर्न ले लीजिए और थर्ड रो बना लीजिए। तो ये मेरी थर्ड रो बननी शुरू हो गई। बस आपको सिंपल नॉट लगाते रहना है इस तरीके से, ये मेरा बनता रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ से फिर फोर्थ, और यहाँ पे अलग अलग कलर ज्वाइन करते रहिए जो भी आपके पास टी शर्ट है, और जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जैसे मैं बनाती रही, मेरा ये कुछ इस तरीके से बनता रहा। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से विड्थ लेके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और उसके बाद इसी तरीके से ऊपर बनाते बनाते देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है। तो आप इसे वे, ये मेरी विड्थ आ जाएगी। लंबाई में आप जितना लंबा बनाना चाहें, जितना लंबा चाहिए अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो बस हम इसे ऐसे ही आगे बनाते रहेंगे। इसी तरीके से जितना आप लंबा आप बनाना चाहते हैं इसमें ज्वाइन करते रहिए और इसे आगे बनाते रहिए। यहाँ मेरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ मैं ज्वाइन कर लूँगी। मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। सिंपल नॉट मेथड से इसे आगे बनाते रहिए। बनाते यहाँ तक मैंने इसे बना लिया। तो आप जितना लंबाई से बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मैं आपको एंड करना बता देती हूँ, एंड कैसे करना है। जैसे आपने ये पूरा बना लिया है, तो इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। इस रो को मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इसे यहाँ तक एंड वाले तक पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इसे कट कर दीजिए और यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सुई और धागे से सिल के इसे फिनिश कर लीजिए। इसे अच्छे से सुई और धागे से स्टिच कर लीजिए। सुई धागे से सिल लिया, तो इस तरीके से मेरा मैक बिल्कुल रेडी हो गया। रिवर्सिबल है, आप इसे इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से। तो आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है।